दोस्तों नमस्कार प्रणाम। देखिए आज सावन चढ़ा है, देखिए हम लोग इस तरीके से पूजा किए हैं और आप लोग भी कीजिएगा। और मैं तो ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, मगर आपसे निवेदन और विनती कर रही हूँ, सावन भर अगर 108 दाना चावल का एकदम टूटा हुआ नहीं रहना चाहिए, 100 घा साबुत चावल को अगर आप चढ़ाते हैं तो शिव गुरु अच्छा फल देते हैं, हमने भी कहीं सुना है। तो प्लीज़ आप लोग भी कीजिए और इनके मान को देखिए, हम लोग गुरु शिव गुरु को मानते हैं। तो देखिए यहाँ और बाहर में हम लोग पूजा किए हैं, जितना आता है उतना हम लोग करते हैं, ज़्यादा तो ज्ञानी नहीं है। देखिए इस तरीका से दूध चढ़ाए हैं और पूजा किए हैं, और आप लोग भी जो नहीं जानते होंगे, जो जानते हैं तो अच्छी बात है, मगर सावन में 108 बार अगर चावल का दाना चढ़ाएंगे तो शिव गुरु हर चीज़ संपन्न करेंगे, आपका जो भी मनोकामना है वो पूरा करते हैं। तो हमें भी कहीं से पता चला ही है, तभी मैं ऐसा की हूँ, एकदम साबुत चाना एक दाना चावल रहना चाहिए, मतलब थोड़ा सा भी टूटा नहीं रहना चाहिए। तो देखिए ये हमारे शिव गुरु हैं, हम लोग शिव गुरु को मानते हैं। तो देख लीजिए कैसे पूजा हुआ है, कमेंट करके बताइएगा। और ये हमारे गृह देवता हैं, सभी को नमन करती हूँ, आप सभी को भी प्रणाम करती हूँ। और अब वीडियो को एंड करती हूँ।